खालिस्तान रेफरेंडम प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर प्रेस क्लब में की गई, जिसका अनवान था हिंदुस्तान मौजूदा पंजाब को खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोट की तारीख का इजरा और ऐलान। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिका से ऑनलाइन की गई, जिसको वकील बराए इंसानी हकूक जनरल काउंसिल सिख फॉर जस्टिस ने की। मुकर्रीन में गुरबीत बिंद सिंह पन्नू ने की। सिख फॉर जस्टिस सिखों के हकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम है, जिसका मिशन भारत पंजाब को खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए भारत के कब्जे से आजाद करवा कर सिखों के लिए एक अलग और आजाद मुल्क खालिस्तान का कयाम है। खालिस्तान रेफरेंडम के तहत बरतानिया, स्विट्जरलैंड और इटली में वोटिंग का इनेकाद हो चुका है, जिसमें 2.5 लाख से जायद सिखों ने शिरकत की। 6 जून 2022 को जबकि दरबार साहब गोल्डन टेम्पल पर भारतीय अफवाज के हमले का 38वां साल था, सिख फॉर जस्टिस ने भारत पंजाब में खालिस्तान रेफरेंडम पर वोटिंग करवाने का तारीख का इजरा किया है। सिख फॉर जस्टिस ने भारत पंजाब में खालिस्तान रेफरेंडम पर वोटिंग करवाने की तारीख का इजरा किया है, जो कि 26 जनवरी 2023 को करवाई जाएगी। याद रहे कि ये 26 जनवरी को भारतीय आइन के नफाद के दिन के तौर पर योम जमहूरियत मनाया जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस नक्शे को भी दिखाया गया, जिसका बताया जा रहा है कि खालिस्तान का जो हिस्सा है उन इलाकों की निशानदही की गई है। खालिस्तान रेफरेंडम के जरिए भारत से आजाद करवा कर अलग मुल्क बनाया जाए। गुरबीत बिंद सिंह पन्नू।